हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी कुक। चलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। हाँ जी, तो आज हम बनाएंगे अफगानी चिकन जो कि बहुत ही लजीज रेसिपी है। और बीच में स्किप ना कीजिए वीडियो को और बने रहिए और देखिए लास्ट तक। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। चलिए जी, इसका मैरिनेशन के लिए तैयार कर लेते हैं मसाले को। यहाँ मैंने हरा धनिया लिया है, मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं, एक छोटे साइज की मैंने प्याज ली है और उसे मैंने रफली चॉप किया है और उसे ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा उसमें पानी ऐड किया है और इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो लीजिए, इसका तैयार हो गया है ग्रीन पेस्ट। तो चलिए इसे साइड कर लेते हैं और एक बाउल ले लेते हैं और उसमें मैंने चिकन डाल दिया है और चिकन में डालते हैं हम 1 नींबू का रस। हाँ जी, पूरा मैंने 1 नींबू लिया है और उसका मैंने अच्छे से इसमें रस डाल दिया है। और यहाँ मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 2 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने ग्रीन पेस्ट तैयार किया था हरी मिर्च और हरा धनिया और प्याज का, वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। 3 टी स्पून मैंने इसमें गाढ़ा दही ऐड किया है। तो लीजिए, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें भर कर मलाई ऐड की है, यानी कि क्रीम जो कि हमें मार्केट में मिल जाती है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और यहाँ मैंने लिया है 1 टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, वन टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला। और चलिए जी, सभी मसालों को और सूखे मसालों को और जितना भी हमने पेस्ट इसमें डाला है बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, ये देखिए हमारे मैरिनेशन के लिए चिकन बिल्कुल तैयार है। तो चलिए जी, इसे कवर कर देते हैं और आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। चलिए जी, आधा घंटा हो चुका है। हम क्या कर लेते हैं, हम जितना भी हमने मैरिनेशन के मसाले में से सभी चिकन के पीसेस को निकाल लेते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं। तो चलिए जी, मैंने एक एक पीसेस करके चिकन का सभी निकाल लिया है। और लीजिए, मैंने यहाँ फ्राई पैन में थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है और उसे गर्म कर लिया है, यानी कि तेज़ गर्म। अब मैंने क्या करना है, जो भी मैंने मैरिनेशन में से एक एक चिकन के पीसेस निकाले थे सभी को हमें फ्राई पैन में एक एक करके लगा देना है। हाँ जी, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें अब चिकन को अच्छे से कलर आने देना है, यानी कि रेड स्पॉट्स। एक साइड से मैं 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अच्छे से मैं इसे रोस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए, इसका कलर आना शुरू हो गया है, बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आने लगा है चिकन में। इसी तरह के रेड स्पॉट्स हमें चाहिए चिकन पर। तो लीजिए, इस तरह यहाँ पे चिकन अच्छे से रेड स्पॉट्स आ चुके हैं। चलिए, इसी तरह हम दूसरे साइड से भी चिकन को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है, इसी तरह का कलर हमें चाहिए था। तो चलिए जी, चिकन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करती हूँ, चिकन को एक एक पीसीज ऑयल में से निकाल कर और फिर से एक ट्रे में निकाल लेते हैं। लीजिए, सभी मैंने रोस्टेड चिकन को अच्छे से मैंने रोस्ट किया है चिकन को और मैंने उसे एक प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं, इसका कलर बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल जैसे आपने देखा है रेस्टोरेंट वगैरह में होता है। तो चलिए जी, उसी फ्राई पैन में मैंने क्या करना है, 2 लौंग और 2 इलायची मैंने उसमें ऐड कर दी हैं। तो चलिए, उसे अच्छे से तड़क जाने देते हैं। और अब जो मैरिनेशन का हमारा मसाला बचा हुआ था जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था, वो इसमें डायरेक्ट ही ऐड कर देते हैं। चलिए जी, इसे डालकर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो है ना सिंपल रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार भी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे बार बार ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए जी, मैंने मसाले को इतने अच्छे से भुना है, आप देख सकते हैं इसका ऑयल बहुत ही बढ़िया से सेपरेट हो गया है। अब मैंने रोस्ट किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर देना है। हाँ जी, इसी टाइम जैसे ही हमारा ऑयल सेपरेट होता है मसाले का, हमें रोस्टेड चिकन ऐड कर देना है। तो लीजिए, मैंने इसे अच्छे से रोस्ट कर दिया है। अब यहाँ मैंने डाला है 1 कप दूध। हाँ जी,
मज़ेदार रेसिपी बने और उसमें दूध ना डलें तो ये बहुत ही मज़ेदार और शानदार इसमें टेस्ट आने वाला है। तो चलिए मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया है। अब 1 टीस्पून मैंने इसमें बटर ऐड किया है और इसे मैंने 5 मिनट के लिए कवर किया है ताकि इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, आप देख सकते हैं इसका बटर का इसका ऑयल का बहुत ही बढ़िया से। चलिए जी हमारा अफगानी चिकन हमारा बढ़िया से तैयार हो गया है और कर लेते हैं इसे डिश आउट। तो है ना बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल और शानदार रेसिपी, जितना देखने में ये बहुत ही यम्मी लग रही है, खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है और बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। झटपट आपके मेहमान आए, झटपट आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार होती है। सो गाइज आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में नोटिफिकेशन बटन आता है आप उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। सो गाइज मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।